हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और अभी ना मेरे सारे काम निपट चुके हैं, सब ने खाना वगैरह खा लिया है, सब काम हो गया, मेरे सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और अभी ना मुझे मतलब मार्केट जाना है, क्योंकि 4 दिन बाद तो हम लोग शादी में जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत तैयारी और बाकी है, तो बस वही कर लेती हूँ, फिर अभी मार्केट जा रही हूँ, बड़ा बाज़ार। और वहीं पे मार्केट के ऊपर ही मेरे माँ का भी घर है, तो शायद मेरा वहाँ भी जाना हो पाए, तो बस वहीं जाऊँगी अभी, और मिलते हैं फिर वहीं पे। और ये मैं अभी अपने मायके आ चुकी हूँ, और आप देखिए कितना सीढ़ी है यहाँ चढ़ चढ़ के। हाँ भाई, ये अभी फर्स्ट फ्लोर पार हुआ है, ये भी दूसरा फ्लोर है, अभी एक फ्लोर और बाकी है। यही ठीक है ना, यही ठीक है, उसको रख दे, यही दे दे, जितना कम दिया जाए तो उतना ही अच्छा है। एक खोल ले लेंगे, बाल बच्चा उसको बहुत दे दिए। अब माँ भी साड़ी का भी दिखाऊं, देखो साड़ी में तो अभी ना मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और इधर ना ये मैंने सोचा जब आई गई हूँ तो थोड़ा खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाता है ना। तो बस ये इधर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सुबह तो सिंपली बनाया था, दाल भात आलू की भुजिया, क्योंकि मार्केट जाना था। और अभी ये पनीर है, तो एक टमाटर था, अरे एक दो प्याज थे मीडियम साइज के, काट लिए मैंने, एक शिमला मिर्च, और ये 2 हरी मिर्च है जिसे बीच में से मैंने चीरा लगा लिया है, और ये यहाँ पे मैंने आने के साथ ही तैयारी कर ली। और ये इधर में ना ये मतलब चिल्ली पनीर बनाना है मुझे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, और ये मैदा हो गया। अब इसी में थोड़ा सा मतलब मुझे ये मिर्च पाउडर मिलाना है, ज़रा सा, मतलब चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, बस ये हो गया। और फिर इसके बाद इसी में मुझे थोड़ा सा नमक मिलाना है, ज़रा सा बस। और ये तेल है ना, मतलब इधर गरम हो चुके हैं, तो मैं इसी में ये डाल दूँगी, सारे डाल दूँगी एक साथ, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, तो बस ये सारे डाल के इसमें फ्राई कर दूँगी। तो ये यहाँ पे ना सारे पनीर है ना मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गया, मतलब थोड़े से मतलब वो चपक गए हैं, मैदा डाला था ना मैंने। और इसी कढ़ाई में मतलब ये प्याज जो कटे हुए हैं ये मुझे डालने हैं, वो फ्राई करके निकाल लिया मैंने। फिर शिमला मिर्च डाल दूँगी, और इसी में ना ये मतलब 2-3 कली जो लहसुन होती है ना, और 1/2 इंच मतलब अदरक, बस उसी को मैंने ऐसे थोड़ा सा वो कद्दूकस कर लिया है, मतलब महीन सा, बस ये इसी में मैंने डाल दिया इसी समय। और अब इसमें ये भी डालना है शिमला मिर्च, और उसके पहले मैं यहाँ इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें है ना ये सोया सॉस है, ये 2 चम्मच डाल देती हूँ मैं सोया सॉस,
ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पनीर बहुत थोड़ा सा है ना, 150 के लगभग होगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाना मुझे। और ये पैकेट मेरा चिल्ली सॉस ख़त्म हो गया था तो मैंने पैकेट वाला मंगवाया एक ठो, तो बस तो ये चिल्ली सॉस है, ये ज़रा ही सही है, बस हो जाएगा इसमें। और इसी में ये टमेटो सॉस है केचप वाला, ये 2 चम्मच डाल दूंगी मैं। और ये इधर मैंने ये शिमला मिर्च भी इसी में डाल देती हूँ क्योंकि इसे ज़्यादा पकाना नहीं होता है, मतलब थोड़े से खड़े ही रहते हैं ना तो ठीक लगते हैं, तो बस ये इसी में थोड़े से डाल दिया मैंने। ये कढ़ाई ना थोड़ी बड़ी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, इसमें आराम से बन जाता है, इसीलिए मुझे यही कढ़ाई पसंद है। बस ये इसमें मैंने ये तीनों सॉस मिक्स करके डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें ताकि ग्रेवी हो जाएगी। और ये मैंने कढ़ाई इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया है, और इधर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। और ये आटा है और मैदा मिक्स करके है, और मोइन दे के मैंने इसे मतलब आटा लगा के रख लेती हूँ पहले,